अल्हम्दुलिल्लाह, इलाका जाबा में हमने मरकज़ फैज़ान मोड़ा शरीफ व मरकज़ी जामिया मस्जिद मदरसा कासमिया ज़ाहिदिया इस्लामिक सेंटर जो है इसकी तामीर शुरू की है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे संगे बुनियाद मर्द कलंदर हज़रत पीर औरंगज़ेब बादशाह साहिब कासमी सज्जादा नशीन दरबार आलिया मोड़ा शरीफ और साहिबजादा वाला शान हज़रत पीर मोहम्मद उमर ज़ेब बादशाह साहिब कासमी वारिस दरबार आलिया मोड़ा शरीफ आपने संगे बुनियाद रख दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम यहाँ पे मदरसे में हिफ्ज़ की क्लास और दीनी जो किताबें वगैरह दरस निज़ामी की वो भी इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। यहाँ पे इलाका जाबा में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत और ज़रूरत थी, जिस वजह से हमने ये मस्जिद का एक अहतमाम किया है। मैं सब हजरात से गुजारिश करूँगा, बिलखसूस जो मुखय्यर हजरात हैं वो इसमें भरपूर तआवुन करें, हमारे साथ इलम के फ़रोग में हमारा साथ दें। अल्लाह करीम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हमें दीन और दुनिया की समझ अता फरमाए, इलम की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए, उसलूबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए। और मेरे इन साथियों की जो ये काविश है, जो इन्होंने फ़कत ज़िक्र खुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा और अशात दीन के लिए ये इस कार खैर की इब्तदा की है, अल्लाह करीम इसको कामिल व मुकम्मल फरमाए। और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग अपनी मोहब्बतें और अपनी अकीदतें इस कार खैर में शामिल फरमाएं। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ कि सबसे बड़ा तावन होता है कि अपने बच्चों को दीन की राह पर चलाएं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की और हदीस मुबारक की जो तालीम व तालम है उसी सिलसिले में इसकी इब्तदा फरमाई जा रही है। और दुआ है कि अल्लाह करीम यहाँ पर खिदमात फरमाने वालों को, इसकी इब्तदा करने वालों को, और ये भी दुआ है कि ये पाए तकमील तक पहुँचे, तो वो लोग भी जो अपने बच्चों को यहाँ पर तालीम और तालम के सिलसिले में भेजेंगे उनके ऊपर अपने इनाम और इकराम का नुज़ूल फरमाए। और ये पूरे इलाके के लिए एक बड़ी खुशी की बायस मुसर्रत।